रूस की चेतावनी, सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा फिनलैंड। रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और ब्रिटेन को धमकाया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने अब फिनलैंड को चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि आगे बढ़ा तो सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा फिनलैंड। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार चल रहा युद्ध अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी लड़ाई किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाई है। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। हालात से तो लगता है कि रूस और यूक्रेन का यह युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ब्रिटेन और दूसरे देशों भी रूस के खिलाफ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रूस लगातार पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है। इसके पहले रूस ने बाल्टिक देशों को भी मूंगफली की तरह तोड़ने की भी धमकी दे चुका है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया और फिनलैंड को धमकी दे डाली कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो पश्चिमी देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं उसको धमकियां मिलेंगी? क्या फिनलैंड की सेना रूसी सैनिकों का सामना कर सकेगी? ड्यूमा की रक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन अलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड महज 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। अगर हम कैलिनग्राद से हमला करते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल को पहुंचने में 200 सेकंड लगेंगे। अलेक्सी ने कहा कि हमारे पास किंजन क्लास की मिसाइलें हैं जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जुरावलेव की धमकियां ऐसे समय पर आई हैं जब यूक्रेन में रशिया की सेना बैकफुट पर आ चुकी है और अब फिनलैंड स्वीडन जैसे दूसरे देश भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। रूस कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी पड़ोसी देश नाटो सदस्य बने। जहां तक बात है फिनलैंड की, तो इसका करीब 1340 किलोमीटर एरिया का बॉर्डर रूस से लगा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच कोई टकराव नहीं है। फिनलैंड अपनी कुल बिजली खपत का 10% रूस से आयात करता है। इसी तरह स्वीडन फिनलैंड का पड़ोसी है। माना जाता है कि रूस कई बार स्वीडन देश के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुका है। दोनों ही देश रूस से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहते हैं। अब देखना यह है कि रूस की धमकी के बाद फिनलैंड और स्वीडन कौन सा कदम उठाते हैं। मगर युद्ध तो सिर्फ दोनों तरफ तबाही लाती है। यह बात सभी देशों को ध्यान में रखना पड़ेगा।